कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर और घरों में श्री कृष्ण के विग्रह सजाए गए, उनका श्रृंगार किया गया, मंदिरों को फूल मालाओं, गुब्बारों और बिजली की झालरों से सजाया गया। इसके साथ ही दही हांडी के साथ भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर और घरों में श्री कृष्ण के विग्रह खूबसूरत तरीके से सजाए गए थे, उनका श्रृंगार किया गया, मंदिरों को फूल मालाओं, गुब्बारों और बिजली की झालरों से सजाया गया था। बच्चों को कृष्ण की वेशभूषा धारण कराकर मंदिरों में आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। घरों में भी सुबह से साफ सफाई का दौर चला, झांकियां सजाई गई, पकवान बनाए गए, बच्चों से लेकर तो बड़ों तक ने व्रत रखा। घरों और मंदिरों में छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा का रूप देकर पूजा की गई। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी जगह जन्माष्टमी की धूम रही, जगह जगह झांकियां सजी, भजन कीर्तन और भक्ति गीतों की बयार बही, पूरा शहर मानो कृष्ण भक्ति में डूबा नजर आया। इसके साथ ही दही हांडी के साथ भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित, NBC News, नागपुर।